नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बुधवार 13 दिसंबर 2023 को जब संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा था, तभी कुछ युवकों ने संसद के अंदर से लेकर बाहर तक कोहराम मचा दिया। अब इस मामले को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। संसद भवन सुरक्षा स्टाफ से जुड़े 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही दिल्ली पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि संसद हमले का मास्टरमाइंड और छठा आरोपी ललित झा अभी तक फरार है। उसकी लोकेशन राजस्थान के नीमराना में पाई गई थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो गया। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ UAPA की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं गृह मंत्रालय ने भी संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दिया है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी पर दिल्ली पुलिस ने सागर शर्मा, मनोरंजन डी, अमोल शिंदे और नीलम के साथ ही 5वें व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया है और इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों से पूछताछ में कई अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे हैं। पूछताछ में ये भी पता चला है कि सभी आरोपी सोशल मीडिया पेज भगत सिंह फैन क्लब से जुड़े हुए थे और करीब 1.5 साल पहले कर्नाटक के मैसूर में इनकी मुलाकात हुई थी और 9 महीने बाद ये सभी एक बार फिर से मिले और तभी संसद में घुसपैठ का पूरा प्लान तैयार किया। बेंगलुरु से आए मनोरंजन ने मार्च में बजट सत्र के दौरान विजिटर्स पास लेकर संसद भवन की रैकी भी की थी, तो वहीं जुलाई में सागर भी लखनऊ से दिल्ली पहुंचा, लेकिन वो संसद भवन के अंदर नहीं जा पाया। तभी उसे पता चला कि जूते की जांच ठीक से नहीं होती है। आपको बता दें कि इन लोगों ने 13 दिसंबर को सुबह लगभग 9 बजे महादेव रोड से BJP सांसद प्रताप सिम्हा के PA से विजिटर्स पास कलेक्ट किया और इसके बाद सभी आरोपी इंडिया गेट पर मिले, जहां सभी को कलर वाला कैंडल बांटा गया और दोपहर 12 बजे दोनों आरोपी संसद भवन के अंदर दाखिल हुए। तो वही मुख्य आरोपी ललित झा बाहर हंगामे का वीडियो बना रहा था और मामला बिगड़ता देख वहां से भाग निकला। गृह मंत्रालय ने कहा कि लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना की जांच का आदेश दे दिया है। वहीं CRPF के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के तहत एक जांच समिति गठित की गई है। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। संसद और आसपास के इलाकों को अभेद किले में तब्दील कर दिया गया। साथ ही लोकसभा सचिवालय ने बुधवार को सांसदों को एक नए भवन तक पहुंचने के लिए अपने स्मार्ट कार्ड तैयार रखने के लिए भी कहा है। 13 दिसंबर 2023 को संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी वाले दिन लोकतंत्र के मंदिर की सुरक्षा को ठेंगा दिखाते हुए संसद में घुस आते हैं ये तमाम लोग और लोकसभा को धुआं धुआं कर देते हैं। 2 युवक लोकसभा की कार्यवाही के बीच दर्शक दीर्घा से सांसदों के बीच कूद पड़ते हैं और कलर गैस का छिड़काव कर देते हैं, तो वहीं संसद के बाहर भी एक युवक और एक महिला कलर गैस चलाकर नारेबाजी करते हुए पकड़े जाते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर तेजी से जांच की जा रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है जरूर हमें बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।